अभी वीडियो बना रहा है दवा है ना आज 23 तारीख है ना, आज 23 जून 2018 है। सारी चीजें दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं करता हूँ, ना मैं ना तय, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। कहाँ राजस्थान के रहने वाले, अब आप भी सिंह साहब हैं, तो हमने कहा राजस्थान का जो छत्री परिवार है वो 24 कैरेट का माना जाता है, है ना, 24 कैरेट का। पंजाब के कल्चर में तो राजस्थान क्या पूछना, राजस्थान है या राजाओं का स्थान। और वो पंजाब आ गए तो इनका कल्चर देखिए, कि इनको पता लगा कि श्याम साधु आए हुए हैं, ये हमको अपना यूट्यूब पर देखा करते हैं। तब ये संजोग हुआ, जब संजोग हुआ एक संत जी आए हुए हैं, अरे इधर आ जाइए महाराज, ये संत जी आए हुए हैं, तो डीके सिंह रघुवंशी जो रायबरेली में है, वो मंजू सिंह उनकी पत्नी खड़ी है यहाँ पर, तो ये नामदेव मिशन से काफ़ी बहुत बड़ा इनको काम कर रही हैं, उनको आगे बहुत आगे बढ़ना है। तो इन्होंने बताया कि संत जी जो आए हुए हैं, तो हमने कहा वही संत जी कि आगरे में इन्होंने रेलवे स्टेशन पर कहा विंडो में कि हमको बरेली का टिकट दे दो, उसने बरेली का टिकट दे दिया। ये बरेली पहुँचे और वहाँ टेम्पो वाले से कह रहे भैया दुर्गा मार्केट चलो, श्याम साधु के पास चलो, पवन नमकीन के पास, वहाँ कोई जाने कब, तो ये परेशान हो गए। तो टेम्पो वाले को इन्होंने मोबाइल दे दिया, तो हम भी गुस्से में रहे। हमने कहा एक बात बताओ भाई साहब, आप टेम्पो चलाते हो या भैंसा गाड़ी चलाते हो? तो नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। तो हमने कहा, तो फिर मंजू सिंह से बात हुई टेम्पो वाले, तब उन्होंने कहा पुलिस वाले से है, मंजू सिंह के बाद हमने एक पुलिस वाले से कहा, तब उन्होंने कहा, इन्होंने कहा मैं रायबरेली से बोल रही हूँ। तब ये संजोग देखिए तो हमारे दिमाग में आई, डीके सिंह रघुवंशी जो है हमारे बड़े अभिन्न अंगों में से है, हमारे बड़े अभिन्न है हमारे, क्यों इन्होंने 200 साल पहले अपनी पत्नी का लाकेट दांव पर लगा करके अखबार में दिया कि हमें दूसरा श्याम साधु दिखाओ, और हम पत्नी का लाकेट, भाई उस समय छोटी मोटी नौकरी बहुत बड़ा काम किया था, आज वही कार्य फलीभूत हो रहा है। तो मैंने सुना संत जी आए हैं, कहीं ये घर से निकले और बजाय दुर्गा मार्केट की जगह अगर इन्होंने कह दिया दुर्गा मंदिर, तो फिर ये भटक जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, अतिथि देव भवा, ये वो अतिथि मेहमान जो है वो वहाँ का भगवान होता है। तो मैंने डीके सिंह से कहा, हमने कहा मैं स्वयं आ रहा, मैं उनके पास आऊँगा, मैं मिलूँगा, फिर मैं उनको अपने आवास पर मैं बुलाऊँगा। मैं जा ही रहा था तब तक आपका नाम विजयपाल सिंह, वैसे भी हमारे नक्षत्र में जन्मपत्री में लिखा है, आज मैं इसके आगे बोल रहा हूँ, आज जीवन में पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं ये साबित करूँगा कि ज्योतिष का कमाल देखो, विजयपाल सिंह साहब हमारे लिए हमारे शुभचिंतक बने रहेंगे हमेशा के लिए, क्यों कि हमारे ज्योतिष में लिखा हुआ। ये पहली मुलाकात है, मैं भविष्यवाणी पहले कर रहा हूँ, ये मेरे जीवन पर्यंत ये हमारे शुभचिंतक बने रहेंगे, और मैं भी इनको अंगीकार करता हूँ कि नाम इनके अंग्रेजी का वी लगा हुआ है, वो हमारे लिए वी बी और डी, ये हमारे लिए बहुत इनको अच्छा माना गया है, हमारे जन्मपत्री में लिखा हुआ है, इसलिए पंजाब का राजस्थान, पंजाब का कल्चर, आज इनको देखिए कहाँ से कहाँ लोगों की मुलाकात हो रही है, ये प्रभु की लीला है। दुनिया वालों, ये अलौकिक घटनाएं घटती हैं, ये क्यों घटती हैं, इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय संत शिरोमणि नामदेव महाराज, इसीलिए आपके साथ बी और डी दोनों मौजूद हैं। आप बैठे तो हो गया।